यहाँ पे हम मान लेंगे लेट, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया पी, लेट पी डिवाइड ए बी, इन द रेशियो के रेशियो वन। अब ये के रेशियो वन में डिवाइड कर रहे हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हैं आप विद रेशियो के रेशियो वन निकाल लो एंड देन आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर माइनस वन कॉमा सिक्स मुझे गिवन है, और अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ सेक्शन फॉर्मूला, तो दिस विल बी इक्वल टू क्रॉस में आपने मल्टीप्लाई करना है के इधर वाले एक्स वाले उससे मल्टीप्लाई होगा, वन इधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा फॉर फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका के इंटू सिक्स प्लस वन इंटू माइनस थ्री अपॉन में यहाँ पे के प्लस वन एंड दिस के इंटू माइनस एट प्लस वन इंटू टेन एंड अपॉन में के प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस वन कॉमा सिक्स इज इक्वल टू सिक्स के माइनस थ्री अपॉन के प्लस वन, और इधर से माइनस एट के प्लस टेन अपॉन के प्लस वन। यहाँ तक क्लियर है? के रेशो वन हमने अज्यूम कर ली और उसके बाद हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। अब क्योंकि ये दोनों आपके पॉइंट इक्वल हैं, यानी कि दो पॉइंट इक्वल आपके कब होते हैं, जब एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकंड पॉइंट, देन बोथ द पॉइंट्स आर इक्वल। तो क्योंकि ये हमें इक्वल दिए हैं, सेम पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स के माइनस थ्री अपॉन के प्लस वन एंड माइनस एट के प्लस टेन अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप के की वैल्यू निकाल लोगे, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस के माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स के माइनस थ्री। ये टर्म्स एक तरफ ले लो, माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स के प्लस के, तो टू इज इक्वल टू सेवन के इज इक्वल टू टू अपॉन सेवन। ठीक है, अब इधर से भी चेक कर लो, के की वैल्यूज आपकी दोनों तरफ सेम आएंगी, सो दिस इज माइनस एट के, ये सिक्स के आप इधर ले आओगे, माइनस सिक्स के, दिस इज सिक्स माइनस टेन, माइनस फोर्टीन के इज इक्वल टू माइनस फोर। तो सिंप्लीफाई करके नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया, फोर बाय फोर्टीन इज टू बाय सेवन। तो के की वैल्यू क्या आ रही है, टू बाय सेवन, यानी कि रेशियो विल बी टू बाय सेवन रेशियो वन। सेवन को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो वट विल बी द रेशियो, टू रेशियो सेवन। पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो टू रेशियो सेवन। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं ऊपर से इरेज कर रही हूँ। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ जी, हाँ हाँ, इसमें यही मैं आपको कह रही थी ना कि दो अननोन्स हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सो बेटर टू टेक द सिंगल वन, अदरवाइज यू कैन डू इन दैट वे ऑल्सो, जो इजी लगे यू कैन डू इन दैट। सो पी डिवाइड ए बी इन द रेशियो के की जगह टू बाई सेवन रेशियो वन, दैट इज टू रेशियो सेवन, ये वाला सेवन इधर चला जाएगा, तो टू रेशियो सेवन एंड दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर फोर, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, otherwise moving on to the next question, question number 5, ho gaya bachche note, question number 5 mein we are given find the ratio in which the line segment joining a and b is divided by the x axis,
अब हमने बताना है कि एक्स एक्सिस उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अब एक्स एक्सिस गिवन है हमें पॉइंट्स, इस वाले क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स गिवन थे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स नहीं गिवन, हमें सिंपली ये गिवन है कि इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। नाउ यू नो कि आपका अगर एक्स एक्सिस पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है तो इट मींस इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। तो ये मान लो मैंने ले लिया पॉइंट ए कॉमा बी। मैं अगेन आपको बता रही हूँ ग्राफिकल वे में मैं फिगर प्लॉट जो मैं इसके ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज ये आपकी एक्सिस बननी चाहिए। एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ए और बी आपके पॉइंट ऐसे बनेंगे। तो अगर आप फिगर यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर देते हो देन ऑल्सो इट वॉन्ट बी रॉन्ग, क्योंकि हम इसको ग्राफिकली प्लॉट नहीं करते, ठीक है। तो किसी भी वे में आप इसकी फिगर बना सकते। तो ए हमें गिवन है 1, -5 और बी गिवन है -4, -5। अब एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, यानी कि वो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस से होगा, तो इट्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी जी। तो मैंने मान लिया कि लेट पी इज द पॉइंट वेयर ए बी इज इंटरसेक्टेड बाय एक्स एक्सिस। वेयर एक्स एक्सिस डिवाइड ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1। अब रेशियो भी मुझे नहीं पता थी तो रेशियो भी मैंने अज्यूम कर ली कि के रेशियो 1, ठीक है। दो काम अब हमने यहाँ पे किए, पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया x, 0 और रेशियो हमने अज्यूम कर ली के रेशियो 1, क्योंकि रेशियो भी मुझे निकालनी है और पॉइंट भी मुझे गिवन नहीं है। पॉइंट एक्स एक्सिस पे था उससे मुझे ये पता लग गया कि वाई कोऑर्डिनेट विल बी जीरो, तो पॉइंट हमने मान लिया एक्स कॉमा जीरो। अब सेम वे में यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये क्या आएगा आपका एक्स कॉमा जीरो, दिस इज इक्वल टू सेम वे में अब आपने यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेना है के इंटू -4 + 1 × 1 डिवाइडेड बाई के प्लस वन, के इंटू -4 + 1 × 1 अपॉन में के प्लस वन। दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के लिए के और वन को वाई कोऑर्डिनेट के साथ ले लोगे तो के इंटू 5 + 1 × -5 अपॉन के प्लस वन। अब अगेन सिंस दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट बोथ द कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल, सो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल। जब आप वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के, के की वो वैल्यू यहाँ पे डाल के यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो टेकिंग वाई कोऑर्डिनेट या इक्वेटिंग वाई कोऑर्डिनेट जीरो इज इक्वल टू 5k - 5 अपॉन के प्लस वन, के प्लस वन उधर जाके जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो, सो दिस इज जीरो इज इक्वल टू 5k - 5, 5k इज इक्वल टू 5, यानी कि के इज इक्वल टू 1। तो पी इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ से आप x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा दिस इज x is equal to -4k + 1 upon k + 1, put k is equal to 1, so x is equal to -4 × 1 + 1 upon 1 + 1, so this is -4 + 1 - 3/2। So the line segment is divided in the ratio। दो चीजें पूछी थी तो दो आंसर्स आप लिखोगे, लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इन द रेशियो, के रेशियो 1, यानी कि 1:1, के की वैल्यू 1 थी, सो दिस इज 1:1, इट मींस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू थी, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो, माइनस थ्री बाई टू कॉमा जीरो। क्लियर आ गया समझ? मास्क लगाओ बच्चे, मास्क रिमूव नहीं करना। So if any doubt is there in this question, you can ask. Done. If board is not visible from there, you can come this side. Done. Now moving on to question number 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. हमें x और y की वैल्यू निकालनी है and we are given कि जो हमें vertices, जो हमें points given है that are the points that are the vertices of a parallelogram taken in order, यानी कि जिस sequence में given है उसी sequence में आप लेके चलोगे। हो गया बच्चे नोट डाउन? कर दो इरेज। सो फिगर में आप एक पैरेललोग्राम बना लो, देन ऑर्डर में आप इसके कोऑर्डिनेट लिख लो वर्टिसेस के। सो लेट दिस बी द पैरेललोग्राम ए बी सी डी और वर्टिसेस हमें गिवन है 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो पोजीशंस हैं ये आप इंटरचेंज नहीं करोगे, ए बी सी डी आपने ऐसे नहीं करना, ए बी और सी डी ऐसे लो, ठीक है? ए बी सी डी जिस भी ऑर्डर में आप इनकी नेमिंग शुरू करते हो सेम ऑर्डर में लोगे कि आपका जो डायगनल है वो हमेशा ए सी और बी डी ही बनेगी। ध्यान रखो अब क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? पैरेललोग्राम गिवन है, क्या कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की? एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें। डायगनल्स अनइक्वल होते हैं, डायगनल्स की और कौन सी प्रॉपर्टी होती है? द मिड पॉइंट ऑफ द बोथ द डायगनल्स इज द सेम, ठीक है? डायगनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सो वी नो दैट डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, सो इट मींस एम is the midpoint of both AC as well as BD. M is midpoint of both AC and BD. अब इन दोनों के midpoints निकाल लो, उनको equate कर दो क्योंकि वो same point को represent करेंगे and you will get the value of x and y. मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या आएगा? मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला किया था कल? डायरेक्ट एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और उसका किया था हमने वाई वन प्लस वाई टू बाई टू फॉर द वाई कोऑर्डिनेट, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वन बाई टू, ठीक है? और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? वाई वन प्लस वाई टू बाई टू यानी कि सिक्स प्लस टू बाई टू। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ बी डी आप निकाल लोगे। ये स्टेप क्लियर?
अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी अगेन 3 प्लस 4 बाई 2 एंड 5 प्लस y बाई 2। अब सिंस बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट, सिंस द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी इज सेम, एम है दोनों का मिड पॉइंट, तो इट मीन्स जो ये वाले कोऑर्डिनेट हैं दीज विल बी इक्वल। एक्स प्लस वन बाई टू एंड फोर इज इक्वल टू सेवन बाई टू एंड फाइव प्लस फाइव बाई टू। अब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वेट कर दो, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट को वाई के इक्वेट कर दोगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेटिंग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, x प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू सेवन बाई टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया दोनों डिनोमिनेटर में थे, तो x प्लस वन इज इक्वल टू सेवन यानी कि x इज इक्वल टू सिक्स, और इसी तरीके से y आ जाएगा आपका फोर इज इक्वल टू y प्लस फाइव बाई टू, ये आप उधर ले जाओगे तो दिस इज एट इज इक्वल टू y प्लस फाइव, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, यानी कि y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। Yes, y. पैरेललोग्राम गिवन है, इसके वर्टिसेस गिवन है 1 2 4 y x 6 एंड 3 5, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसके लिए हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की पैरेललोग्राम की, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं दे बाईसेक्ट ईच अदर, यानी कि उनका मिड पॉइंट जो होता है वो सेम होता है। तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ ac एज वेल एज bd। तो हमने क्या किया, पहले ac के वर्टिसेस को यूज करके m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। यहाँ पे था आपका ये दो कोऑर्डिनेट्स हम लेके चल रहे हैं, तो x प्लस 1 बाय 2, 6 प्लस 2 बाय 2 यानी कि x प्लस 1 बाय 2 कॉमा 4। फिर हमने BD का निकाला मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगेन लगाया हमने 4 प्लस 3 बाय 2 एंड y प्लस 5 बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। तो हमारे पास 4 प्लस 3 ये आ गया 7 बाई 2 कॉमा y प्लस 5 बाई 2। अब ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं, m के वैल्यूज हैं, दोनों m के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इट मींस इनकी जो वैल्यूज हैं दैट विल बी सेम। तो हमने यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स को जो ac से आया था और bd से आया था इन दोनों को इक्वेट कर दिया, देन x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल पुट किया, तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई और y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। So this was your question. बस यहाँ ये main चीज का ध्यान रखना है कि जो आप vertices लिखोगे वो जिस sequence में given है same sequence में, चाहे आप उनको clockwise लिख दो चाहे आप उनको anti-clockwise लिख दो, sequence change नहीं होना, ये यानी कि 1, 2 के बाद जो 4, y है वो इधर यहाँ या यहाँ लोगे, इधर नहीं लोगे। अगर 1, 2 के बाद 4, y इधर ले लोगे तो your question will be wrong. So is this clear now? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी पॉइंट जो है वो हमें गिवन है 1, 4। अब हमें डायमीटर जो है गिवन है कि ए बी है उसका सर्कल का, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है बी के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ए बी डायमीटर है तो वी नो दिस कि ए और बी पॉइंट जो है आपके दैट विल लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये ए बी हो गया,
ये मिड पॉइंट हो गया सेंटर, ठीक है। तो ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट, क्या क्या गिवन है आपको, सेंटर 2, -3 और बी पॉइंट मुझे क्या गिवन है 1, 4। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स कॉमा वाई, तो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर एक्स कॉमा वाई। अब ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है तो इट मींस सी सेंटर है क्योंकि, तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सिंस सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल तो दिस इंप्लाइज दैट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी जो है दैट इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि 2, -3 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट सी ऑफ ए बी। सी के कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे x1 + x2/2 यानी कि x + 1/2 एंड y1 + y2/2 यानी कि y + 4/2। अब सिंस दीज आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पॉइंट सी सो इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट x + 1/2 is equal to 2 and y + 4/2 is equal to -3। यहां से x is equal to 4 - 1 यानी कि 3 और इधर से y is equal to -10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3, -10। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सी जो है क्योंकि वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डायमीटर को 2 equal parts में डिवाइड करते हैं सेंटर, तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा के हमने, क्योंकि ये सेम पॉइंट सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, इफ ए एंड बी respectively हमें गिवन है -2, -2 एंड 2, -4। ये कर दूं इरेज, हो गया नोट डाउन, फिगर कर दूं इरेज। मुझे पॉइंट्स देखो क्या क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, -2, -2 एंड 2, -4। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी जो है दैट इज 3/7 ए बी। ठीक है, ए पी जो है वो ए बी का 3/7 है। अब यहां ध्यान दें, जो मुझे रेशियो गिवन है वो किसकी गिवन है, ए पी अपॉन ए बी 3/7। यानी कि अगर मैं पॉइंट P यहाँ पे लेती हूँ तो AP और AB ये रेशो मुझे गिवन है, AP और PB की रेशो नहीं गिवन है, आई एम गिवन द रेशो ऑफ AP एंड PB। तो पहले मुझे AP और PB की रेशो निकालनी पड़ेगी, गॉट इट। AP और AB की रेशो गिवन है, आई हैव टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ AP एंड PB ताकि मुझे ये पता लग जाए कि P जो है वो AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। जब मेरे पास पी आ जाएगा कि किस रेशो में ए बी को डिवाइड कर रहे हैं, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आई कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो इससे इसको यूज करके सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है रेशो ए पी अपॉन पी बी। ठीक है, कैसे करोगे, इसको मैं उल्टा कर लूं, पहले बड़ी वाली साइड ऊपर ले आऊं, छोटी वाली साइड नीचे ले आऊं, तो रेसिप्रोकेट करोगे तो AB अपॉन AP इक्वल टू 7/3 हो जाएगा।
अब ए बी को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, ए पी प्लस पी बी, तो मैं स्प्लिट कर दूंगी, ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3। क्या करें अब नेक्स्ट स्टेप में, मुझे सिर्फ पी बी चाहिए, ए पी और पी बी का रेशो चाहिए ना मुझे, तो इसको अलग अलग करके लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि न्यूमिरेटर में है ये, तो ए पी अपॉन ए पी आपका कैंसिल आउट होके वन हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पी बी बाय ए पी, तो यहाँ पे वन प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3, वन उधर चला जाएगा, ये आ गया समझ, वन उधर गया, एलसीएम लिया 7-3/3, 7-3 is 4/3 आ गया। अब मैं इसका फिर से रेसिप्रोकल ले लूंगी तो मेरे पास क्या रेशो आ जाएगी, ए पी अपॉन पी बी, समझ आया ये, दोबारा देखो मुझे जो रेशो गिवन थी वो ए पी और ए बी की गिवन थी, आई वॉज गिवन द रेशो ऑफ ए पी एंड ए बी, मैंने इसको कन्वर्ट किया ए पी और पी बी में, ए बी को मैंने स्प्लिट करके लिख लिया ए पी प्लस पी बी, उससे पहले रेसिप्रोकल जरूर लेना है, बड़ी वाली जो आपकी साइड है उसको ऊपर ले लोगे, छोटी वाली को नीचे लोगे, यहाँ ए बी को स्प्लिट कर दिया ए पी प्लस पी बी में, ये पूरा जब ऐड होगा तो दिस विल गिव यू ए बी, उसके बाद मैंने जो एल सी एम से पहले वाले स्टेप है वो ले लिए, यानी कि इसका रिवर्स ऑर्डर में स्टेप चलाया, तो दिस इज ए पी अपॉन ए पी प्लस द साइन एज इट इज पी बी अपॉन ए पी, यहाँ जब आप एल सी एम लोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग, अब ए पी अपॉन ए पी इज वन, तो पी बी अपॉन ए पी की वैल्यू 7/3 आ गई, पी बी अपॉन ए पी की वैल्यू सिंप्लीफाई करके 4/3 आ, बट मुझे रेशियो किसका चाहिए ए पी और पी बी का, तो मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया, तो ए पी अपॉन पी बी कितना आ गया 3/4। अब यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है, पी पॉइंट क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो इट मीन पी डिवाइड ए बी इन द रेशो 3:4, 3:4 के रेशो में वो उसको डिवाइड कर, ठीक है, अब रेशो आ गई मेरे पास, नाउ आई कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, सो आगे इसको फर्दर आप खुद कंप्लीट करोगे, आफ्टर दिस वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, इफ एनी डाउट इज देयर बच्चे यू कैन आस्क, Still we are having 2 minutes, so I will give you the hint of question number 9. इसको खुद कंप्लीट करोगे, P के जो आपके coordinates हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं, अब ये मेरा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि P divides AB in the ratio 3:4, so find the coordinates of P. अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा उसने, find the coordinates of the points which divide the line segment joining this into 4 equal parts, line कितने parts में divide हो रही है, अब 4 equal parts में, तो ये line हो गई, इसके coordinates मुझे given है, A के coordinates मुझे given है -2, 2, और इसके coordinates given है 2, 8, कितने parts में divide हो रही है, 4 में, ये first part, ठीक है, ये second part, पहले midpoint निकाल लिया, ये मान लो मैंने ले लिया C, डायरेक्ट करेंगे तो -2 + 2/2, 0/2 = 0, 2 + 8/2, 5, तो सी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2, अब सी और ए सी को फिर एक पॉइंट बाइसेक्ट करेगा जो डी होगा, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, और ऐसे ही एक पॉइंट ई होगा विच इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स में अब इन दोनों को लेके मिड पॉइंट लगाओ, ई के कोऑर्डिनेट्स के लिए सी और बी को लेके मिड पॉइंट लगाओ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बताओ क्या आएंगे, दिस इज -2 + 0/2 - 1 or 2 + 5/2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0 + 2/2 दैट इज 1, 5 + 8/2 दैट इज 13/2, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स,
ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इंटू फोर इक्वल पार्ट। पहले ए बी का मिड पॉइंट निकाला, फिर ए सी का मिड पॉइंट निकाला, सी बी का मिड पॉइंट निकाला, तो ये आपके फोर इक्वल पार्ट्स बन गए। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं। आपको पता है क्योंकि ये फोर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो जब आप डी लोगे तो डी डिवाइड इट इन द रेशियो 1:3, आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दिस डिवाइड इट इन रेशियो 1:1, टू पार्ट इधर है, टू पार्ट इधर है, टू से टू कैंसिल होकर रेशियो 1:1, एंड दिस डिवाइड इट इन द रेशियो 3:1। तो आप ऐसे करोगे तो सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, बट जैसे मैंने करवाया है तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे, यू कैन डायरेक्टली यूज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन, अगेन टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेनी है, चाहे आप इसको एंटी क्लॉक वाइज ले लेना, चाहे आप इसको क्लॉक वाइज ले लेना। तो ये रोम्बस हमें गिवन है, ये चार आपको पॉइंट गिवन है, 3045। आई विल जस्ट टेक वन मोर मिनट, -1, 4 -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ए सी निकाल लोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप बी डी निकाल लोगे, तो फॉर्मूला लगा दोगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी, हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन नंबर होमवर्क पार्ट नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपने नोटबुक में करने हैं, 8 ऑल्सो यू विल डू, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 and 6, 6, 8, 9, 10। ठीक है, दीज आर योर होमवर्क पार्ट, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9, 10। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, यू कैन स्टार्ट योर लंच। बच्चे इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट।